नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 की नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 की। दोस्तों, इसकी टोटल पोस्ट 1,05,000 रहने वाली है, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। दोस्तों, बात करें योग्यता की, योग्यता 10th पास या ITI पास किया हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट अपने यार दोस्तों और मित्रों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना अनिवार्य है, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। इन सब के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि RRB के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की। पोस्ट नेम है ग्रुप डी की पोस्ट है, जो कि लेवल फर्स्ट की वैकेंसी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, यानी कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ट्रैक मैन, गैंग मैन, केबिन मैन, हेल्पर, पियोन, असिस्टेंट पॉइंट मैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट TL&SE और असिस्टेंट डिप्टी की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, इन सभी पोस्टों को मिलाकर आपकी पोस्ट रहने वाली है 1,05,000 के लगभग आपकी पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, अब की बार ग्रुप डी की वैकेंसी को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि 12th पास या ITI पास। तो दोस्तों, हेल्पर, पियोन और दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट या 12th पास रखा गया है और बाकी के ITI पास रखा गया है। टोटल वैकेंसी आपकी 1,05,000 रहने वाली है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हों। दोस्तों, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला, सबसे पहले CBT टेस्ट होगा, उसके बाद में PET यानी कि फिजिकल होने वाला है, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, जब भी मेडिकल टेस्ट होता है, उससे पहले आपको सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। और दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना अनिवार्य है। सबसे पहले दोस्तों, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट। अगर दोस्तों जो नाम, जो DOB और दोस्तों जो फादर्स नेम 10th की मार्कशीट में है, वही आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आगे जाके आपके प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, पासवर्ड साइज फोटोग्राफी 5 से 6 होनी चाहिए। ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपके पास में होना अनिवार्य है। दोस्तों, बात कर लेते हैं CBD टेस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 33 ईयर और दोस्तों नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 10th और ITI, दोस्तों 10th और ITI यानी कि इसको दो भागों में बांटा किया है, यानी कि कम से कम आपने इनमें से एक भी क्वालिफिकेशन पास किया तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से भी आप फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में A to Z संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching.